तो वह चीता पे चढ़ जाती थी, वह स्वयं अपने देह को त्याग देती थी। इसलिए कहते हैं कि मैंने अनेकों स्त्रियों को मरवाया, स्त्री नाम मत हत बंधु नाम, मैंने अपने ही बंधुओं को मरवाया, और मरवाने का कारण द्रोह, मेरे हृदय में द्रोह हो चुका था। कर्म भी मेदी नाह, मैं कल्प कल्प के समय तक इस पाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। भक्तों, यद्यपि युधिष्ठिर महाराज ने पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी कितना पश्चाताप कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज के इस लक्षण से हमारे जीवन में बहुत सुंदर उपदेश मिलता है। जीवन में जब हमसे पाप हो जाए, देखिए मानव समाज में हम सब मनुष्य हैं, और मनुष्य गलत कर सकता है, कभी कभी मनुष्य से भूल हो सकती है, क्योंकि मनुष्य पूर्ण नहीं, पूर्ण तो एकमात्र भगवान है। हम लोग अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, और अपूर्ण बुद्धि होने के कारण कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। लेकिन हमारी गलती समझ में आने के बाद गलती के ऊपर पछतावा करना, पश्चाताप करना, यह सज्जन व्यक्ति का धर्म है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंत में सुद गोस्वामी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। एक से एक नरक, कुंभी पाक, तप्त सुरमी है। किस प्रकार से इस संसार में कोई व्यक्ति पाप करता है तो नरक में फंसता है। जब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, इसे सुनकर महाराज परीक्षित कांप गए। बोले, यदि पाप करने वाले को नरक में जाना ही होगा तो दुनिया में सब लोग पाप करते हैं, सबको नरक में जाना होगा। तुरंत महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को रोक दिया, बस महाराज अब नरक का वर्णन मत सुनाइए, अब आप मुझे यह सुनाइए कि संसार के लोगों को नरक में जाने से कैसे बचाया जाए। अधु नेह महाभाग यथेव नरका नर नाना उग्र यातना न इयात तन में व्याख्या तुम अर्हसी। हे महाभाग, हे सुखदेव गोस्वामी, अब आपको यह बताने की जरूरत है कि संसार के पापियों को नरक में से कैसे बचाया जाए, क्योंकि दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप न किया हो। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम सब ने पाप किया है, चाहे जानकर पाप किए हो, चाहे अनजान में पाप किए हो, पाप तो पाप होते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताइए, संसार के लोग इस नरक में जाने से कैसे बच सकते हैं, इसका कोई उपाय है? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न चेदि हेवा पचितिम यथा मनस्कृतस्य कुरियान मनुक्त पाणी भी ध्रुवम सवे पेति नरकानुपेति यस भवता स्मिग्न यातना। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप किया हो, लेकिन पाप करने के बाद इसी जन्म में प्रायश्चित कर लेता है, तो वह नरक में जाने से बच जाता है। और यदि प्रायश्चित नहीं किया, न चेदि हेवा पचितिम यथाम हंस, प्रायश्चित यदि न चेत, यदि प्रायश्चित नहीं किया तो ध्रुवम निश्चित ही नरकान उपेति, उसे नरक में जाना पड़ेगा ही। जिस नरक के बारे में यह कीर्ति था, मैंने पहले ही आपको बताया था। इसलिए मरने से पहले हमारे पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। भक्तों, ये प्रायश्चित आग के समान होता है। ये प्रायश्चित का अर्थ होता है पश्चाताप, पश्च का अर्थ होता है बाद में, और ताप का अर्थ होता है जलना। पाप करने के बाद जब बुद्धि आती है, और तब जब हमारा हृदय उस बात को याद कर करके जलता है कि गलत कर दिया, गलत कर दिया, उसे प्रायश्चित कहा जाता है। हमारे पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, और प्रायश्चित करते हुए हमारे पाप का इजहार करना चाहिए, गुरु के सामने, भगवान के सामने।
जब तक हमारे किए गए पाप को हम इजहार नहीं करेंगे गुरु के सामने या भगवान के सामने कहेंगे नहीं और उसका एहसास नहीं करेंगे तब तक उस पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यहां पर युधिष्ठिर महाराज यही कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, प्रायश्चित पश्चाताप कर रहे हैं। भक्त युधिष्ठिर महाराज तो 5000 वर्ष पहले की बात, कल का इतिहास। कच्छ का शूरवीर जिसका नाम था जैसल है, हमारे ही देश की यह घटना। कच्छ का बहुत बड़ा शूरवीर था, जीवन में बहुत पाप किया और एक दिन वह नौका में बैठकर जा रहा था। एक बहुत बड़ी भगवान की भक्ता जिसका नाम था तोरल, नौका में सवार होकर जा रहा था और अचानक बाढ़ आ गई, तैरने को नहीं आता था। और उसी समय जब जैसल जाडेजा की नौका लड़खड़ाने लगी, उस समय जैसल ने तोरल को कहा कि हे तोरल, मुझे बचा लो क्योंकि मुझे मृत्यु का भय लग रहा है। आज तक जैसल को पसीना नहीं आया था लेकिन मौत को देख लिया, दोनों हाथ जोड़कर गिर गया। उस समय उस संत ने कहा, उस वक्ता ने कहा कि यदि बचना चाहते हो तो जीवन में जितने भी पाप किए हैं उसका प्रायश्चित कर लो, जितने भी पाप किए हैं उसका इजहार कर लो, क्योंकि यह नौका तुम्हारे पाप से भारी हो गई है। और उस समय जैसल जाडेजा ने कह दिया, क्या बताऊं मैंने कितने पाप किए हैं, एक से एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे पाप उगलने लगा, सारे पाप बोलने लगा। जेटला माथे जा वाण सती रानी, जेटला माथे जा वाल रे, पेटला ते वकरम मैं करया, पेटला ते वकरम मैं करया, तुलांदे रे एम जैसल के छे जी, पाप तारू प्रकाश जाडे जा, धर्म तारू सम बाल रे, तारी भेडली ने बुड़वा नहीं दऊ, तारी नावड़ी ने बुड़वा नहीं दऊ, जाडे जा रे एम जैसल एम तोर के छे। ये जो घटना घटी वह समंदर की नौका थी और यहां पर हमारे जीवन की नौका है। समंदर की नौका में यदि वजन बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है, तो वह नौका लड़खड़ाने लगती है और एक दिन वह समंदर में डूब जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन रूपी नौका में यदि पाप का भार बढ़ गया तो एक न एक दिन यह जीवन रूपी नौका भी डूब जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। इसलिए इस जीवन से बचना चाहते हो, नरक में जाने से भयानक दुख से मुक्त होना चाहते हो, जीवन में जितने भी पाप किए हैं उसका इजहार कर दो, प्रायश्चित कर दो। एक के बाद एक समस्त पापों को बोलने लगा है यह जैसा। तोड़ी सरोवर पाण सती में तो, तोड़ी सरोवर पाण रे, गोधन तरसिया वालिया,
मित गोधन तरसिया वालिया तोड़ा दे रे एम जे सके छे पाप तारू प्रकाश जाडे जा धर्म तारू सं बाळ रे तारी बेडली ने बुडवा नहीं दऊं तारी नावडी ने बुडवा नहीं दऊं थोड़ा दे रे एम जे सा हमने हमारे जीवन में अनेकों पाप किए हैं भक्तों, अनेकों पाप जन्म से लेकर आज तक यदि हम लोग हिसाब करें पाप का कोई ठिकाना नहीं। हम भोजन करते हैं तो अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं, हम खाना पकाते हैं अनेकों जीव जंतु, चलते हैं तो पांव के नीचे जीव जंतु, सांस लेते हैं तो अनेकों जीव जंतु मरते हैं, किसी की निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी को दोष देते हैं, झूठ बोलते हैं, अनेकों प्रकार के पाप में उलझे हुए हैं। परंतु जिस दिन ज्ञान हो जाए उस दिन भगवान के सामने और गुरु के सामने हमारे पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। लूटी कुमारी जान सती में तो लूटी कुमारी जान रे बेनी रे भाणे जुड़ू ने दुभाविया मैं तो बेनी रे भाणे जुड़ू ने मारिया तोला दे रे एम जे सर के छे जी पाप तारू प्रकाश जाडे जा धर्म तारू संभाल रे तारी बेडली ने बुड़वा नहीं दऊं तारी नावड़ी ने बुड़वा नहीं दऊं थोड़ा दे रे। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया, प्रसिद्ध घटना गुजरात के समस्त लोग जानते हैं। वह शूरवीर जिनके शरीर से पसीना निकल गया, मृत्यु का भय लग गया, बस अब मैं मरने ही जा रहा हूं, परंतु मरते मरते उस मृत्यु के समय अपने सारे पाप को बोल दिया, एक के बाद एक अपने हृदय से सारे पाप निकालने लगा, उस नौका का भार कम होते गया और अंत में ऐलान कर दिया मैं कितना गिनाऊं, गिनाते गिनाते मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। जेठला माथे जा वाल सती रानी जेठला माथे जा वाल रे कितना गिनाऊं, मेरे मस्तक में जितने बाल हैं उस बालों से भी ज्यादा पाप मैंने किया है। जेठला माथे जा वाल सती रानी जेठला माथे जा वाल रे हेठला ते वकरम मैं करिया हेठला ते वकरम मैं करिया थोड़ा दे रे एम जे सर के छे मुझे सर के छे। प्रायश्चित होना चाहिए। भागवत के इस प्रसंग को लेकर, इतिहास की इस घटना को लेकर इनका समन्वय करके ये सिद्धांत जीवन में सूत्र के रूप में बना लेना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज प्रायश्चित कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण मना रहे हैं, वेद व्यास धौम्य नारद ये सब सांत्वना दे रहे हैं। बोले महाराज आपने पाप तो किया होगा लेकिन आपने पुण्य भी उतना किया है, और इतना पुण्य किया है तो पाप से डरने की जरूरत नहीं।
तब युधिष्ठिर महाराज सिद्धांत कहते हैं, यथा पंकेन पंकांभ सुरया वासुराकृतम् भूतहत्याम तथैवैकाम् न यज्ञे माष्टुमर्हति। बोले कृष्ण आप कहते हो कि पुण्य के द्वारा पाप मिट जाता है, यह कैसे संभव हो सकता है? यथा पंकेन पंकांभ, क्या कीचड़ से कभी कीचड़ साफ हो सकता है? क्या किसी आदमी को शराब का नशा चढ़ गया हो तो क्या शराब से उसके नशे को उतारा जा सकता है? हे ऋषि मुनियों, जैसे कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, जैसे शराब से शराब के नशे को नहीं उतारा जा सकता, वैसे पुण्य से पाप को नहीं काटा जा सकता। कितना सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं। हम लोग हमारे जीवन में सोचते हैं कि हमने बहुत पाप कर लिया, अब थोड़ा पुण्य कर लेंगे तो हमारा पाप मिट जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि भक्तों कर्मणा कर्म निहारो न हात्यंतिकिष्यते अविद्व अधिकारित्वा प्रायश्चितं विमर्शनम्। पाप करना एक कर्म है और पुण्य करना भी एक कर्म है, अतः कर्म के द्वारा कर्म को कभी नहीं काटा जा सकता। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, जैसे मल के द्वारा कभी मल को नहीं धोया जा सकता, वैसे पुण्य के द्वारा पाप को नहीं काटा जा सकता। यदि हम हमारे जीवन में पाप करते हैं तो उसे भी भोगतना पड़ेगा, और यदि हम हमारे जीवन में पुण्य करते हैं तो उसे भी भोगतना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से कहूं तो इस संसार में कुछ लोग बहुत पाप करते हैं, मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, और शराब पीकर जब घर पर आते हैं तो रिक्शा वाला कहता है 10 रुपया दे दो, तो वह 100 की नोट दे देता है नशे में। रिक्शा वाला वापस देता है, छोटा बोले तू रख ले, दान करता है। कभी कभी कुछ लोग पाप करते हैं साथ ही साथ अपने जीवन में पुण्य भी कर देते हैं। यदि पाप किया है तो मरने के बाद सीधा वह कुत्ता बनेगा। उदाहरण के तौर पर पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद मानो कुत्ता बना, लेकिन उसने अपने जीवन में पुण्य भी किया था, तो पुण्य के कारण पाप कटेगा नहीं, कुत्ता तो बनना ही पड़ेगा। परंतु यदि पुण्य किया है कुत्ता बनेगा, लेकिन किसी अमीर व्यक्ति के घर का कुत्ता बनेगा ना। आज के कुत्ते भी आप देखते ना, मर्सिडीज में घूमते हैं, जाहो जलाली में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, उनके लिए अलग कमरा होता है, अलग बिस्तर होता है, अलग भोजन डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खाते हैं, गले में रुमाल लगाकर हैं। आज के कुत्ते आप देखते हो शहरों में विदेश में कि कैसे, वो कुत्ते कौन है जानते हैं? पूर्व जन्म के पापी और पुण्य दोनों करने वाले कुत्ते बनते हैं किसी अमीर व्यक्ति के घर के। और भक्तों कभी कभी तो हम देखते हैं, पहले के जमाने में लोग लिखते थे अपने घर पर सुस्वागतम, शुभ लाभ, भले पधारिया, है ना, वेलकम। और जमाना बदल गया, आज सब लोग अपने घर पर लिखते हैं कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ द डॉग। बहुत विचार करे तो मतलब लगता है इस घर में सब कुत्ते ही रहते होंगे, इसलिए लिखा है कुत्तों से सावधान। और न जाने लोग कुत्ते से कितना प्रेम करते हैं। हाँ, प्रेम होना चाहिए गाय से, सेवा करनी चाहिए गाय की, लेकिन गाय को छोड़कर अब लोग कुत्ते की सेवा। देखिए मैं कुत्ते का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन शास्त्र की बात कर रहा हूं, इतना प्रेम। और फिर भी कुत्ता शाम को 4 बजता है तो तुरंत पूंछ हिलाने लगता है, अब मालिक को टाइम न भी हो तो निकालना पड़ता है।
कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाना होता है। कुत्ता आगे आगे चलता है, मालिक पीछे पीछे। कभी बहुत विचार करो तो सोचो इसमें से मालिक कौन है, कुत्ता है या उसके पीछे चलने वाला? क्योंकि राजा आगे चलता है, मंत्री पीछे चलता है, ये कुत्ता राजा की तरह आगे चलता है। फिर भी भारत में तो बहुत अच्छा है, विदुषम विदेश में तो कुत्ते को घुमाने के समय घर पे जेब में थैली रखनी पड़ती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुत्ता तो खंबा और टायर ढूंढते रहता है, और विदेशों में रोड इतने साफ होते हैं, पानी से धोते वो लोग। और कुत्ते ने यदि टट्टी पेशाब मल मूत्र कर दिया तो बहुत डॉलरों में फाइन भरना पड़ता है। इसलिए कुत्ते महाशय को यदि इच्छा हो तो ये थैली बाहर निकालते हैं। अब बताइए इसमें मालिक कौन है? कितना भाग्य लेकर आया होगा ये कुत्ता? भाग्य इसलिए क्योंकि पूर्व जन्म में पुण्य किया था और साथ साथ पाप भी किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि पुण्य के द्वारा पाप को नहीं काटा जा सकता है, पाप को भी भुगतना पड़ता है और पुण्य को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं कभी भी इन पापों से मुक्त नहीं होऊंगा, मेरे कारण इतने लोग मर गए, बहुत अफसोस करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, महाराज आप हमारी बात नहीं मानोगे। युधिष्ठिर तो कृष्ण की सामने भी नहीं देखते थे, बोले तू छोटा है, तेरे में बुद्धि कम है, तुझे क्या पता चल। तब कृष्ण कहते थे, हाँ हम तो छोटे हैं, हमें तो बुद्धि भी नहीं है, लेकिन पितामह भीष्म तो बड़े हैं ना, वो तो हम सबके दादा है ना। तो महाराज हम लोग तो आपका शोक दूर नहीं कर सके, अब आपका शोक इस भारत भूमि में दूर करने वाला एक ही व्यक्ति है और वो है पितामह भीष्म। शरसैया पर लेटे हैं, 58 दिन बीत चुके हैं और कृष्ण ने देख लिया कि अब कुरुवंश का यह दिव्य सूर्य अस्त होने जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, युधिष्ठिर महाराज अब आपके इस शोक और मोह को दूर करने वाले एकमात्र पितामह भीष्म हैं, यदि आप इस शोक से दूर होना चाहते हो तो चलो हमारे साथ। युधिष्ठिर महाराज तैयार हो गए, हम जाएंगे पितामह के पास। तब भीम आए, बोले मैं भी आऊंगा, नकुल सहदेव आए, मैं भी, अर्जुन ने कहा मैं भी आऊंगा, द्रौपदी भी तैयार हो गई। इस प्रकार सब लोग पितामह भीष्म के पास जाने के लिए तैयार हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंध अष्टम अध्याय समाप्त है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आपकी किताब के श्लोक प्रारंभ होंगे। अष्टम अध्याय समाप्त हुआ। अब सूत गोस्वामी कहते हैं, श्री सूत उवाच, इति भीत प्रजा द्रोहा सर्वधर्म विवीत्सया ततो विनशनम प्रागाद यत्र देवव्रतो पत इति भीत प्रजा दुहात। सुद गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार प्रजा से द्रोह करने के कारण युधिष्ठिर महाराज भीत भयभीत हो चुके थे। युधिष्ठिर महाराज के हृदय में शोक उत्पन्न हो चुका था, युधिष्ठिर महाराज के हृदय में दुख उत्पन्न हो चुका था। तो प्रजा दुहात भीत और सर्वधर्म विविध सया, और युधिष्ठिर महाराज थोड़े कंफ्यूज हो चुके थे, बोले कि मैं इतना शोक में हूं, रो रहा हूं, वेद व्यास आते हैं तो भी वही बात करते हैं, नारद भी वही बोलते हैं, धौम्य कृष्ण सब एक ही बात बोल रहे हैं, तो मैं झूठा हूं या ये लोग झूठे हैं।
वास्तव में मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है। सर्व धर्म विविधया, अपने कर्तव्य और सभी प्रकार के धर्म को जानने के लिए युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पास जाने के लिए तैयार हो गए। बहुत सुंदर बात आई, सर्व धर्म विविधया। जैसे युधिष्ठिर के हृदय में जिज्ञासा है कि मैं सभी धर्मों के विषय में जानूं, वैसे हमें भी हमारे जीवन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम धर्म के विषय में जानें। लेकिन दुर्भाग्य है कलयुग के जीवों का, ये मॉल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दिल्ली की संसद में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, पड़ोसी में क्या हो रहा है, बाजू की दुकान वाले में क्या हो रहा है, फलाना क्या कर रहा है, दुनिया भर के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन भगवान के विषय में जानने की इच्छा कोई नहीं। वेदव्यास जी ने सर्वशास्त्र सूत्र स्वरूप वेदांत सूत्र का निर्माण किया और उस वेदांत सूत्र का प्रथम मंत्र लिखा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। 84 लाख की योनि काटने के बाद इतना सुंदर मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। भगवान राम भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संतरुगावा। भगवान ने भी कह दिया वैकुंठ में अपनी अयोध्या साकेत धाम में बैठकर, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य का जन्म बड़े भाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है। तो जब 84 लाख के चक्कर काटने के बाद यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो मनुष्य का प्रथम कर्तव्य क्या है, कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वे ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में जिज्ञासा करें, जैसे आज युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। सर्व धर्म विविधया, नहीं तो वेदव्यास जी कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभेर नराणाम। इस संसार में ये जो पशु है, प्राणी है, वो आहार निद्रा भय और मैथुन करते हैं, तो आज का मनुष्य भी यही करता है, आहार निद्रा भय मैथुन। सामान्य एतत्, आज के मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं रहा, परंतु मनुष्य में एक चीज है जो पशुओं से ऊपर उठ सकता है, धर्मो ही एको अधिको विशेष। ये धर्म एक ऐसी वस्तु है जिससे मनुष्य पशुओं के स्तर से ऊपर उठ सकता है, और जिनके जीवन में धर्म को जानने की इच्छा नहीं, जिनके जीवन में धर्म को जानने की जिज्ञासा नहीं, वेद व्यास जी साफ साफ महाभारत में कहते हैं, धर्मेन विहीन पशु भेर नराणाम। धर्म बिना का मनुष्य पशु के समान है। अतः यदि हमें पशुओं के स्तर से ऊपर उठना है तो धर्म के विषय में जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। सर्व धर्म विविधया। आज युधिष्ठिर महाराज समस्त प्रकार के धर्म को जानने के लिए पितामह भीष्म के पास जा रहे हैं, क्योंकि पितामह भीष्म धर्म के तत्व को जानते थे, धर्म के विषय में पूरा पूरा जानते थे। अतः युधिष्ठिर महाराज गए और कहां गए, ततो विनशनम प्रागाद। ये पांडवगण उस स्थान पर गए जिस स्थान का नाम है विनशनम। कुरुक्षेत्र की भूमि को सुध गोस्वामी विनशनम कह रहे हैं। विनशनम का अर्थ है विनाश की भूमि।
पांडवगण उस भूमि में गए जो विनाश की भूमि थी। यहां पर एक प्रश्न हो सकता है कि भगवद गीता के प्रारंभ में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया और भागवत में सुध गोस्वामी उसी कुरुक्षेत्र की भूमि को विनाश की भूमि कह रहे हैं। कहते हैं ततो विनशनम प्रागाद, गए कहां विनशनम, विनाश की भूमि के ऊपर गए। तो गीता में लिखा है कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है, भागवत कहता है कुरुक्षेत्र विनाश क्षेत्र है। इसका कंक्लूजन निकालते हुए आचार्यों ने टीका में लिखा है कि विनशनम का अर्थ क्या है। विनशनम का अर्थ है विशेषेण न्यस्यन्ति पापानि यत्र तद विनशनम। विनशनम का अर्थ है जहां पर व्यक्ति के समस्त पाप का विनाश हो जाए, जहां अधर्म का विनाश हो जाए उसे विनशनम कहते हैं। तो पाप को अधर्म का अन्याय का नष्ट करने वाली कुरुक्षेत्र की भूमि में ये सारे पांडव युधिष्ठिर महाराज के साथ गए। अच्छा, कुरुक्षेत्र तो बहुत बड़ा है, आज भी आप जाओगे तो कुरुक्षेत्र की भूमि विस्तार से बहुत बड़े एरिया में है। कुरुक्षेत्र में कहां गए तो सुध गोस्वामी कहते हैं उस कुरुक्षेत्र में यत्र देवव्रतो पतत, कुरुक्षेत्र में वहां गए यत्र जहां देवव्रत पितामह भीष्म पतत गिरे थे। उस विशाल कुरुक्षेत्र की भूमि में पितामह भीष्म जहां गिरे थे, शरसैया पर सो रहे थे, वहां पर यह पांडव जाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही ये वहां जाने के लिए तैयार हुए सुध गोस्वामी कहते हैं तदाते भ्रातर सर्वे सदश्वे स्वर्ण भूषिते अन्वगच्छन रथे विप्रा व्यास धोम्यादयस्तथा। युधिष्ठिर महाराज आप पितामह भीष्म के पास जा रहे हो, ये किसने पूछा? वेद व्यास जी ने पूछा, धौम्य ऋषि ने, नारद जी ने, जितने भी ऋषि मुनि वहां पर थे ये सब ने पूछा महाराज आप कहां जा रहे हो। बोले पितामह भीष्म के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बोले यदि आप पितामह भीष्म से ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो तो हम भी आपके साथ आएंगे। तो कहते तदाते भ्रातर सर्वे, युधिष्ठिर के सभी भाई और ये वेद व्यास धौम्य असित देवल व्यास ये सब लोग पितामह भीष्म के मुख से प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये लोग कैसे जा रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया जाए। शास्त्र में लिखा है सदस्वे, सद अश्वे, अश्वे माने घोड़े, सद माने अच्छे। ये वेद व्यास जी, नारद जी, युधिष्ठिर महाराज ये सब लोग अच्छे घोड़े से जुते हुए स्वर्ण भूषिते सोने के रथ में सवार होकर पितामह भीष्म के मुख से प्रवचन सुनने जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रवचन सुनना ये मुख्य वस्तु है, फिर चाहे घोड़े के ऊपर बैठकर मोटरसाइकिल के ऊपर जाए या गाड़ी में बैठकर जाए या हेलीकॉप्टर से जाए या रोल्स रॉयस से जाए। और हमारी गौड़ीय परंपरा तो इसमें बहुत आगे है क्योंकि हमारी गौड़ीय परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने हमें फल्गु वैराग्य नहीं सिखाया, हमें युक्त वैराग्य सिखाया। भक्तों में फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य, वैरागी नहीं बनना है। कुछ लोग कहते ना हमें धन नहीं चाहिए, हमें पत्नी नहीं चाहिए, हमें पुत्र नहीं चाहिए, हमें देश नहीं चाहिए, हमें समाज नहीं चाहिए, और ये सब कुछ छोड़कर हरिद्वार चले जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है हमें गांजा चाहिए, हमें चाय चाहिए, चाय की लाइन में खड़े रहते हैं। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य। परंतु इससे करोड़ों करोड़ गुना श्रेष्ठ है हम हमारी गृहस्थी में रहे,
हम जहाँ है वहाँ स्थाने सीता श्रुतिगता तनुवाक मनोरवीर ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस स्थान में है उस स्थान में रहे, जिस परिस्थिति में है, चाहे हम करोड़पति हैं करोड़ों रुपये हैं, यदि हम गाड़ी में फरते हैं गाड़ी में फरे, और हमारे पास तो लोहे की कार है ना, यहां तो सोने की कार में जा रहे हैं। देखिए सदस्वे स्वर्ण भूषित है ना, सोने के रथ के ऊपर बैठकर सवार होकर ये लोग प्रवचन सुनने गए। भक्तों इस संसार में भक्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए भौतिक उपकरणों का इस्तेमाल, ये भी भक्ति ही है। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। कुछ लोग कहते हैं ना, हम लोग माइक में नहीं बोलते हैं, हम लोग ये माइक माया है, ये माया का तत्व है, माइक नहीं तो गला फाड़ो और मरो। हमारी परंपरा तो ये कहती है, गौड़ी परंपरा तो ये कहती है कि कोई बात नहीं माइक का इस्तेमाल करो, परंतु इस माइक का इस्तेमाल कृष्ण भक्ति में करो, ताकि हमारा उद्धार हो, सुनने वाले का उद्धार हो। और मैं तो कहता हूं ये आहूजा कंपनी वाला भी वैकुंठ में जाएगा, क्योंकि उसने माइक बनाया है। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। संसार की सभी वस्तु को प्राप्त करो, लेकिन उसे भगवान के साथ जोड़ो, फिर चाहे सोने का रथ हो तो भी कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं आप इस्कॉन के भक्त इतने तड़क भड़क में, मैं कहता हूं कपड़े के ही पहने, हम तो चाहते हैं सोने के धोती कुर्ता पहने, क्या करें इतना धन नहीं है, क्योंकि हमारी गौड़ीय परंपरा कहती है युक्त वैराग्य रखें। वैराग्य हृदय से होना चाहिए, अंदर से, बाहर से नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर बहुत दोष, बहुत उंगली उठी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने 10 वर्ष में पूरी दुनिया का भ्रमण किया 10 बार, और आज वर्तमान में जयपता का स्वामी गोपाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद जी का रिकॉर्ड गिनीज बुक में बोल रहा है कि इतने बड़े सन्यासी होकर इतनी फ्लाइट में सफर करना, उनके नाम का रिकॉर्ड है कि इतना घूमना, इतना फ्लाइट में भ्रमण। प्रभुपाद जी के ऊपर उंगली उठी कि बोले साधु होकर फ्लाइट में घूमते हो, विमान में घूमते हो। श्रील प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, इस संसार में लोग माया के पीछे इतने तेज गति से दौड़ रहे हैं कि उस मायावी लोगों को पकड़ने के लिए मुझे फ्लाइट में बैठना पड़ता है। फ्लाइट का इस्तेमाल यदि कृष्ण भक्ति के लिए किया जाए तो फ्लाइट में बैठना भी भक्ति, और फ्लाइट बनाने वाले ने चाहे किसी भी उद्देश्य से बनाई हो, लेकिन उसमें किसी भक्त ने सफर कर लिया तो फ्लाइट बनाने वाला भी उद्धार हो गया। यह है युक्त वैराग्य, यह है हमारी गौड़ीय परंपरा। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज, जो गौड़ीय परंपरा में प्रथम ऐसे आचार्य जिन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की। पहले के जमाने में लोग भक्ति करते थे, लेकिन भक्ति ऑर्गेनाइज नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं थी, बस भजन करते थे, बाबा जी बन जाते थे, वन में भटकते थे। लेकिन इतिहास में एक ऐसे सिंह गुरु हुए जिन्होंने भक्ति को ऑर्गेनाइज किया है, संस्था बनाई, 64 गौड़ीय मठ बनाए, और अपने समस्त भक्तों को प्रचार करने के लिए भेजा, जाओ प्रचार करो। बोले हम तो गृहस्थी हैं, क्या हो गया, गृहस्थी प्रचार नहीं कर सकता है क्या, कोई गृहस्थी भक्ति नहीं कर सकता? मैं तो यह कहता हूं कि गृहस्थी जितना भक्ति कर सकता है उतना अन्य आश्रम वाला नहीं कर सकता, और हमारे पास प्रमाण है, क्योंकि हमारे इतिहास में गृहस्थियों को जितना भगवान मिले हैं उतना सन्यासियों को नहीं मिले। आपने सुना है ना, 12 महाजन, भगवान को प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं, 12, उस 12 में से 8 तो गृहस्थ है, केवल 4 ही ब्रह्मचारी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने गृहस्थों को कहा जाओ प्रचार करो। बोले हम पैंट शर्ट पहनकर, कोई बात नहीं, प्रचार ये मुख्य है, कपड़ा मुख्य नहीं है। इस संसार में लोग कपड़े के ऊपर जाते हैं, हृदय के गुण भाव भक्ति मुख्य है। भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य गए दुनिया भर में प्रचार करने लगे, लेकिन संसार के लोग उंगली उठाने लगे
कि आप गृहस्थ होकर दीक्षा देते हो, प्रचार करते हो। भक्ति सिद्धांत महाराज के जो शिष्य थे नर्वस हो गए और आए अपने गुरु महाराज के पास, महाराज लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, दोष देते हैं। तो अपने भक्तों का हौसला बढ़ाने के लिए और संसार में सिद्धांत स्थापित करने के लिए जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जन्म से अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, जन्म से ही ब्रह्मचारी और सन्यासी थे, लेकिन समाज में एक आदर्श दिखाने के लिए उन्होंने रोल्स रॉय कंपनी में ऑर्डर किया, मेरे लिए आज और अभी ही एक रोल्स रॉय कार भेजो। सत्य घटना, कल का इतिहास। और उसी समय दर्जी को बुलाया और 4-पीस सूट, ब्लेजर ये सब बनवाया, हाथ में एक सबसे महंगी छड़ी और सबसे महंगी कैप टोपी। प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज शूट, बूट, टाई, छड़ी, टोपी पहनकर रोल्स रॉय गाड़ी में बैठे, जो उस समय के धनियों के पास भी नहीं थी। मैं किस शब्द के ऊपर बोल रहा हूं? सदस्य स्वर्ण भूषित सोने के रथ के ऊपर बैठकर गए। भक्ति सिद्धांत महाराज उस रोल्स रॉय गाड़ी में गए और सब जगह पर घूमे। बोलो किसको प्रॉब्लम है? भक्ति हृदय से होती है, कपड़ों से नहीं होती। हृदय से वैराग्य होना चाहिए। इसलिए जीवन में हमारे कर्म के अनुसार हमें कुछ भी मिले। कभी कभी हमारे कर्म इतने अच्छे हैं कि न चाहते हुए भी ऐश्वर्य मिलता है, अनेकों वस्तुएं मिल जाती, और कभी कभी न चाहते हुए भी दुख मिलता है। तो जीवन में चाहे सुख मिले, चाहे पैदल जाना हो तो पैदल कथा में जाए, और भगवान की कृपा से सोने की गाड़ी है तो सोने की गाड़ी में बैठकर जाए, लेकिन जाना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम लेना, ये वास्तविक हमारा सिद्धांत है। और इसीलिए तो संतों ने गाया ना, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम गाइए प्रेम से, सीताराम कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का निदान जान, हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम।
ज राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम गाइए प्रेम से सीता राम भगवान के नाम का गुणगान कीजिए राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 प्रेम से राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज समेत उनके भाई वेदव्यास नारद धौम्य ये समस्त ऋषि मुनि पितामह भीष्म के मुख से ज्ञान सुनने के लिए अन्वगच्छन रथे विप्रा अन्वगच्छन उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के पीछे पीछे कुरुक्षेत्र में गए। इतना ही नहीं पितामह भीष्म के पास साक्षात भगवान भी गए। भगवान पिवी प्रर्षे रथे न स धनंजय सतेव्य रोचत नृप कुबेर इव गुयके। भगवान अपि विप्रर्षे पितामह भीष्म को दर्शन कर देने के लिए भगवान अपि भगवान भी गए। देखिए सब लोग का नाम आया तो कहा वेद व्यास नारद ये सब गए, लेकिन भगवान का नाम आया तो अपि शब्द कहते हैं भगवान भी गए। तो क्या भगवान नहीं जा सकते? देखा जाए तो भगवान को जाने की जरूरत नहीं थी, वो तो परम ज्ञानी थे, है ना। भगवद गीता में आया ना सर्वस्य चाहम रिधि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। इस पूरे जगत में समस्त जीवों को ज्ञान देने वाले तो कृष्ण है। पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी भगवान अपि भगवान भी पितामह भीष्म को दर्शन देने के लिए गए। भक्त वास्तव में जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करने के बाद मानो कोई भगवान को भूल भी जाए सो भी जाए, परंतु भगवान अपने भक्तों को याद रखते हैं। वहां पितामह भीष्म सोए हुए हैं और उनको पता नहीं है, वो बुला नहीं रहे हैं किसी को, लेकिन फिर भी भगवान अपि भगवान भी जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई, बोले भगवान को ढूंढने का प्रयास मत करो,
भगवान को खोजने का प्रयास मत करो, जीवन में ऐसे कार्य करके दिखाओ कि जिससे भगवान खोजते खोजते आपके पास आ जाए आपको दर्शन देने के लिए। भगवान भी पितामह भीष्म को दर्शन देने के लिए गए और भगवान की इच्छा थी कि पितामह भीष्म प्रवचन करेंगे तो मैं भी सुनूंगा। ये युधिष्ठिर महाराज, वेदव्यास, नारद, इनको जितना प्रवचन सुनने की इच्छा थी उससे कोटि गुना ज्यादा कृष्ण को इच्छा थी मैं भी प्रवचन सुनूंगा। भक्तों, जब भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, अन्य श्रोता आए हैं, आए या न आए, और श्रोता आकर भी सुने या न सुने, परंतु हमारे भगवान तो आकर अवश्य सुनते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। स्वयं भगवान को अपनी कथा सुनने में इतना आनंद आता है कि ये तो सबसे पहले तैयार हो गए, चलो चलो मैं भी आऊंगा। कृष्ण को अपनी कथा सुनने में अत्यंत आनंद है और इसके ज्वलंत प्रमाण जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। कभी कभी मन में प्रश्न होता है कि भगवान का इतना सुंदर विग्रह जगन्नाथ जी के रूप में कैसे बन गया है। इसके पीछे एक ही कारण, कृष्ण को अपनी कथा सुनने की इतनी इच्छा और इतना आनंद। 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जन्म हुआ, मथुरा में जन्म लेते ही गोकुल में चले गए और गोकुल से फिर मथुरा और मथुरा से सदा सदा के लिए द्वारिका चले गए और द्वारिका में जाकर 16108 पत्नियों के साथ विवाह किया। हाँ, सोने की द्वारिका, सभी पत्नियों के लिए अलग अलग महल, सभी बच्चों के लिए अलग अलग कमरे और सभी पत्नी पतिव्रता नारी थी, सती स्त्री थी, अपने पति कृष्ण की पूर्ण सेवा करती थी। बस कृष्ण एक बार कहते थे पानी लाओ, 16108 ग्लास आता था पानी पीजिए। कहां कृष्ण का भाग्य और कहां हमारा भाग्य है, 16108 बार बोलते हैं तब एक बार आता है। कृष्ण की सब लोग सेवा करते थे, आज्ञाकारी अनुसरणी पत्नियां थी, लेकिन उस अवस्था में भी कृष्ण रात दिन रोया करते थे। इतना धन, ऐश्वर्य, पत्नी, बच्चे, सब कुछ, सुखी होने के लिए एक आदमी के पास जितना होना चाहिए उससे कोटि गुना ज्यादा भगवान के पास था, लेकिन उस अवस्था में भी कृष्ण रात दिन रोया करते थे, उनके आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। और इसका कारण क्या था, कहते हैं बलि जाऊं सदा इस नैनन पे, बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, दिन रात यूं ही मैं होता रहूं, श्री राधे ही राधे पुकारा करूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रज रानी तुम्हारे वियोग में, दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं, दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। सब कुछ था कृष्ण के पास परंतु मां यशोदा का प्रेम नहीं था और श्रीमती राधा रानी का दर्शन नहीं था। द्वारिका में रहते रहते कृष्ण को गोकुल की जब याद आती तो रोने लगते थे और सभी पत्नियां हैरान हो जाती थी कि हम में क्या कमी है, हमारी सेवा में क्या कमी है कि कृष्ण को इतना रोना आ रहा है, हमारे स्वामी, हमारे पति इतने क्यों रो रहे हैं। एक दिन कृष्ण सुधर्म सभा में गए थे और यहां पर बलराम जी की मां रोहिणी जी को पकड़ लिया सभी पत्नियों ने। बोले मैया, आज आप बता ही दीजिए कि हमारे पति ने बचपन में गोकुल में ऐसी कौन सी लीला की थी जिसको याद करके आज भी वो रोते रहते हैं। बोले वैसे ही कृष्ण विरह में है और यदि उसने सुन लिया तो छोड़ के चले जाएंगे। तब पत्नियों ने कहा हम ऐसा कमरा व्यवस्था करेंगे जहां कृष्ण आ ही ना पाए, ऐसा कमरा
नियुक्त किया, उसमें सारी पत्नियां बैठी, रोहिणी जी को बिठाया गया, सभी खिड़की दरवाजे बंद किया और कृष्ण की बहन सुभद्रा को बाहर बिठाया, कृष्ण यदि आ भी जाए तो अंदर मत जाने देना। यहां रोहिणी जी बैठकर कृष्ण की सभी पत्नियों को कृष्ण कथा सुनाने लगी, बाल लीला कृष्ण कथा, गोकुल में क्या क्या हुआ था, कैसे जन्म हुआ, पूतना आघासुर बकासुर, मधुर मधुर लीला चल रही थी। कृष्ण और बलराम दोनों घर पर आए, देखा तो पूरा वह कमरा बंद था, खिड़की भी बंद थी, सुभद्रा बाहर बैठी थी। बोला बहन अंदर क्या हो रहा है? बोला कुछ नहीं हो रहा है, तुम जाओ यहां से, तुम्हें कुछ मतलब नहीं, बताओ तो सही अंदर हो क्या रहा है, हमें कोई मतलब।